देख सकते हैं इधर पूरा पहाड़ में भी सब बैठे हुए हैं और कितना ज़्यादा भीड़ है इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाखों का भीड़ है और कहीं जगह नहीं मिल रहा है बैठने के लिए, सब अपना व्यवस्था खुद कर रहे हैं चटाई वगैरह। पाँच बजे शाम से हाँ। लेकिन अभी से ही इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, लगभग कितने भीड़ आने की उम्मीद है? कम से कम दो से तीन लाख का उम्मीद है। दो से तीन लाख का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्पण बाड़ा ब्लॉग, आपको इस ब्लॉग में स्वागत है। सभी दोस्तों को जय मसीह की, यीशु साहेब और जय यीशु। आज बहुत ही खास ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग के बीच में प्रोफेट विजेंद्र सिंह आने वाले हैं और वो भी सिमडेगा में, और ये सिमडेगा में पहली बार आने वाले हैं, सिमडेगा में नहीं पूरे झारखंड में पहली बार आने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वो भी सिमडेगा में आ रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं। और आज तारीख है 23 नवंबर 2023 और आज सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ का भीड़ देख के हम तो भौचक्के रह गए क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है अभी से ही, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ होने वाला है। और प्रोग्राम शाम में 5 बजे है लेकिन अभी से ही इतना ज़्यादा भीड़ आ रहा है तो बहुत ही उत्साहित हैं और आप लोग को दिखाते हैं। शेख भिखारी प्रवेश द्वार नाम है और केलाघाट मोड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ दादा लोग देख सकते हैं कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं पूरा, और गाड़ी वगैरह को साइड करवा रहे हैं। हाँ, पार्किंग इधर है दादा, इस साइड। और प्रोग्राम कितना बजे से स्टार्ट है? प्रोग्राम तो 5 बजे। 5 बजे शाम से हाँ। लेकिन अभी से ही इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, लगभग कितने भीड़ आने की उम्मीद है? कम से कम दो से तीन लाख का उम्मीद है। दो से तीन लाख का, तब बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है तो देख सकते। और यहाँ देख सकते हैं अभी पता नहीं यहाँ क्या मिल रहा है, हमको नहीं पता, अभी जाके देखते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है। अच्छा मैम, यहाँ मतलब क्या मिल रहा है? यहाँ तेल और पानी मिल रहा है, आशीष दिलाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, आशीष दिलाने के लिए यहाँ तेल और पानी मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से ले सकते हैं ना? हाँ। कोई भी ले सकते हैं ना आके? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी सुबह से ही पूरा भीड़ होनी स्टार्ट हो गया, इतने सारे गाड़ियाँ वगैरह लग चुकी है और कल से ही भीड़ था। और ये लोकेशन है केलाघाट डैम, केलाघाट डैम के पास में ही है, देख सकते हैं। और ये देखिए वहाँ सवल स्थल है, आगे जाके आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। बेड़ा टोली जगह का नाम है और यही प्रोग्राम हो रहा है। और ये मैदान है छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं बहुत बड़ा ही मैदान है, तो वहीं पर प्रोग्राम हो रहा है। ये रास्ता है यहाँ आगे जाने का और देख सकते हैं इधर पूरा बैठने का पूरा जगह बनाया हुआ है और इस साइड भी, दोनों साइड में, और बीच से रास्ता है, हम लोग यहाँ से कहीं भी बैठ सकते हैं, सबका जगह बना हुआ है। तो आप लोग कब आए? और कब आए हैं आप लोग? 5 बजे। और 5 बजे क्यों आए? तो शाम में 5 बजे ना प्रोग्राम है, जगह रखने के लिए ना, जगह नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, इसलिए पहले से ही भीड़ हो चुका है और जगह रखने के लिए सब आए हुए हैं, देख सकते हैं, क्योंकि स्थान की कमी हो जाएगा इसलिए पहले से अब सब लोग अपने अपना स्थान रख लिए हैं, देख सकते हैं इधर। नमस्कार, आप लोग कब आए हैं प्रोग्राम के लिए? अभी तो आए हैं देखने। हाँ, अभी के लिए। अच्छा, आप लोग लोकल है ना? लोकल। अच्छा, मतलब वो पहले बुकिंग कर लिए हैं? हाँ, यही अच्छा सामने में है। हाँ, सामने में ही है ना। हाँ। तो हम लोग को जगह मिलेगा ना, थोड़ा बहुत मिल जाएगा ना। हाँ, तो देख सकते हैं पहले से ही सब जगह रख रहे हैं और शाम के 5 बजे प्रोग्राम के लिए। इधर देख सकते हैं जो आगे बैठे हैं वो कल से ही आके जगह अपना स्थान ले लिए हैं इसलिए आगे बैठ पाए हैं, वरना अभी किसी को जगह नहीं मिल रहा है। ये स्टेज, यहाँ प्रोग्राम होगा। इस तरह के डिस्प्ले लगभग 10-15 लगाए गए हैं जगह जगह सबको देखने के लिए, जो नहीं देख पाएंगे उनके लिए यहाँ डिस्प्ले का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि बहुत दूर है, देख सकते हैं यहाँ कितना दूर लग रहा है प्रोग्राम स्थल। और अभी भी पूरा पीछे नहीं आए हैं और इधर भी इतने सारे जगह हैं
तो सबको देखने के लिए मुश्किल है इतने दूर से, तो उसके लिए डिस्प्ले का व्यवस्था किया गया है और यहीं से वो लोग देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लोग आके सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं। और यहाँ बैच वगैरह सब मिल रहा है। और ये देख सकते हैं सभी जो बीमार हैं वो लोग आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं एक लेडीज है वो लेटी हुई है और स्पेशल प्रार्थना कराने के लिए आए हुए हैं। सब प्रोग्राम स्थल में ही जाने के लिए आया हुआ है, देख सकते हैं सब गाड़ी। चल चलो दूसरा कुछ जल्दी देख सकते हैं पूरा कार का अंबार लग गया है और ऐसे ही बहुत जगह लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत दूर दूर जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, पूरा भीड़ है और बाइक से भी जाना मुश्किल हो गया है। देख सकते हैं सब कोई बैठे हुए हैं इधर पहाड़ वगैरह में सब चढ़ चढ़ के, अभी थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हुआ है तो सभी रेस्ट कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और इधर देखिए दुकान वगैरह सब लगा हुआ है। और इधर देखिए देख सकते हैं पूरा मेला लग गया है, सिमडेगा में पहली बार इतना भीड़ हुआ है कोई भी प्रोग्राम में, और इससे ज़्यादा भीड़ कभी देखा नहीं गया था और पहली बार यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ हुआ है। देख सकते हैं इधर पूरा पहाड़ में भी सब बैठे हुए हैं और कितना ज़्यादा भीड़ है इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाखों का भीड़ है और कहीं जगह नहीं मिल रहा है बैठने के लिए, सब अपना व्यवस्था खुद कर रहे हैं, चटाई वगैरह सब ले के आ रहे हैं, खरीद के आ रहे हैं और कुछ सब्जी का व्यवस्था कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पूरा पहाड़ में सब बैठे हुए हैं।
यह ब्लॉग प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले तक का ही बनाया गया था, इसके बाद पार्ट टू आने वाला है, तो उसमें प्रोग्राम स्टार्ट जब होता है उसके बाद का वीडियो बनाया गया है, तो इसलिए उसे देखना मत भूलिएगा, वह मेन वीडियो है। तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं, तो ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद, और पार्ट टू देखना मत भूलिएगा, धन्यवाद।